हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में हिंदी की ज्ञान सागर का छठा लेसन करेंगे, जिसका नाम है अनोखा वरदान। इसमें राजा विजय सिंह अपनी रक्षा करने वाले नौजवानों को पुरस्कार देने का वादा करता है। इसमें एक नौजवान एक अनोखा वरदान मांगता है। उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले वो उस नौजवान को मूर्ख मानते हैं कि उसने ऐसा वरदान मांगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उस वरदान में वह बहुत कुछ पा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये अनोखा वरदान कैसे था। कहते विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर तंग रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उनका नियम था, इसलिए वह भेष बदल कर घूमता था ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। मामूली मतलब साधारण। कहते कि एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था कि तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु वह उसे उसकी चिंता नहीं थी। वह चलता जा रहा था, उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके उसके पीछे आ रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ करना मतलब छीनना। अचानक डाकू ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया। सकते में आना मतलब गुस्से में आना। मगर वह घबराया नहीं, वह बच निकलने की तरकीब सोचने लगा कि अचानक घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बंट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदल कर जाता था उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंग रक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका ना कर सके। बाल बांका ना करना मतलब कुछ भी ना बिगाड़ पाना। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा मतलब तारीफ करना। अगले दिन दरबार में उन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगाया और मन चाह पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि आप बारी बारी से जो चाहे मांगो, अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन छहों में सबसे बड़ा था। राजा ने सबसे पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा कि महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। लालसा मतलब इच्छा। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान महल बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। अब तीसरे नवयुवक ने कहा कि महाराज, मेरे गांव से लोग हर सप्ताह सब्जी तरकारी बेचने आते हैं।
गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। अब चौथे ने से उसकी इच्छा पूरी पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज आप मेरे पिता समान हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा, उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवे नौजवान ने धन मांगा, उसी समय बोरे में सोना भरकर उसे दे दिया गया। यानी कि पांच नौजवानों की उन्होंने इच्छा पूरी कर दी। पहले ने क्या मांगा था? पहले ने भवन मांगा, घर मांगा। दूसरे ने पहले ने घर मांगा दूसरे ने पद में तरक्की, तीसरे ने सड़क मांगी और चौथे ने धन, चौथे ने सुंदर पत्नी, पांचवे ने धन मांगा। अब छठे नौजवान की बारी थी। अब छठे नौजवान की बारी थी तो उसने कहा, महाराज मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप में से कोई एक भी जीवित है, आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान थे। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा, स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान ने अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में है वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे। फिर क्या था कि वर्ष में एक दिन और एक रात के लिए उन्होंने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी होगी कि राजा उस नौजवान के घर जाए तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो, न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का आसानी से रथ जा सके। यह प्रश्न उठता है कि राजा का एक छोटी अब सड़क बन गई, ठीक है, तीसरे नौजवान ने क्या मांगी थी? सड़क। तो अब इसके पहली बार में ही सड़क बन गई। फिर प्रश्न उठा कि एक राजा छोटे से मकान में कैसे रहेगा, कहाँ राजा उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएं पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अगर राजसी ठाटवाट के लायक एक बहुत बड़ा महल खड़ा करवाया गया, लेकिन नौजवान अपने मामूली यानी कि भवन भी बन गया। पहले नौजवान में भवन मांगा था, लेकिन नौजवान अपनी मामूली आमदनी से इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उसकी संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राजदरबारी का ही अतिथि बन सकता था, इसलिए उस नौजवान को राजदरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब एक ने पद में तरक्की मांगी थी तो अब इसको नौकरी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता है। अभी एक बात और बाकी थी कि एक ने क्या मांगा था? सुंदर पत्नी मांगी थी। अब उसकी एक इच्छा तो अभी रह गई थी कि अभी एक और बात और बाकी थी कि जिस घर में राजा अतिथि बनकर जाए तो उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक किसे हो सकती थी? शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचवों ने अलग अलग मांगा था। तो आपने देखा कि इस लेसन में कैसा अनोखा वरदान उसने मांगा। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी ध्यान में लगा कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भेष बदल कर क्यों घूमता था? क्योंकि वो अपनी प्रजा का हालचाल पता करता था। अगर राजा बनकर जाता तो लोग उसे पहचान लेते, इसलिए वह भेष बदल कर अपनी प्रजा का हालचाल का पता लगाता था। अब राजा की अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया? उन्होंने सिंहासन से उतरकर उनको गले लगाया और धन्यवाद देते हुए एक वरदान मांगने के लिए कहा।
तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा? तीसरे नवयुवक ने राजा से एक अच्छी सड़क मांगी ताकि उनके गांव वालों का कष्ट दूर हो। छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी? उसने राजा के सामने अपनी इच्छा रखी कि एक दिन और रात के लिए वे उसके घर अतिथि बनकर आए। अगला है कि आपने पाठ के अकॉर्डिंग खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। आप अपने आप पाठ पढ़िए और इन खाली स्थानों को, और उसके बाद आपने पाठ के अकॉर्डिंग इस कहानी को सही क्रम में लिखना। उल्ट पुलट लिखे हुए हैं बाकी, और आपने इसको एक कहानी के रूप में सही क्रम देना है। तो ये दो आप अपने आप करें। उसके बाद है कि राजा के पीछे अंगरक्षक क्यों चलते थे, क्यों चलते हैं? अंगरक्षक का मतलब था, अंग का मतलब अंग, रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला, कि मतलब राजा की रक्षा करने के लिए उसके अंगरक्षक उसके पीछे चलते थे ताकि जब भी राजा कोई मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद कर सके। राजा को छठे नौजवान को राजदरबारी की पदवी क्यों देनी पड़ी? ये आपने पढ़ा था कि पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राजदरबारी का ही अतिथि बन सकता था, इसलिए उसे, ताकि ये प्रथा ना टूटे, इसलिए उस नौजवान को राजदरबारी की पदवी देनी पड़ी। यदि राजा आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या वरदान मांगेंगे और क्यों? ये आप खुद करें तो अच्छा रहेगा। यदि राजा पैदल ही जा रहे होते तो क्या होता? यदि राजा पैदल जा रहे होते तो 6 जवानों को उनकी रक्षा करने की ज़रूरत ना पड़ती और ना ही उनको पुरस्कार मिलता। अगर 6 नौजवान राजा की रक्षा नहीं करते तो कहानी में क्या बदलाव आता? तो ये कहानी ना बनती, ठीक है। 6 नौजवान राजा की रक्षा ना करते तो ये कहानी भी ना बनती और 6 नौजवानों को पुरस्कार भी ना मिलता। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द। क्रिया शब्द मतलब जो किसी काम के होने या करने का बोध करवाते हैं शब्द, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिखे हुए, आप कोई भी लिख सकते हैं बुक में से, आ रहा था, भीग गया, होने लगी, घबराया नहीं, करना चाहता था, चाहती थी, घेर लिया। इसी प्रकार विपरीत शब्द लिखने के लिए कहा है आपको, रंग राजा, अंदर बाहर, अस्वीकार स्वीकार, विद्वान विदूषक। अब नीचे दिए गए वाक्यों को शब्द के क्रम अनुसार क्रम संख्या देनी है आपने। जैसे आपको पता ही है डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द पहले पे आना चाहिए और कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आना चाहिए। वो इसके अनुसार पहले पे आएगा अंगरक्षकों अतिथि, फिर 3rd पे आएगा गृहिणी, 4th पे आएगा जीवित, 5th पे आएगा पुरस्कार, 6th पे आएगा भेष, फिर उसके बाद शीघ्र, फिर स्वयं। आगे है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे कि एक और से थी, एक नौजवान, 6 नौजवान वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में, उन्होंने डाकू पर हमला किया। इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ठीक था? कैसे? मुसीबत में आई इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जीवन मूल्य वाले आप खुद करेंगे। आगे से जीवन मूल्य वाले क्वेश्चन आप खुद ही क्या करेंगे। आगे आपने एक काम और करना है कि विक्रम और बेताल, एक सीरियल भी आता था टीवी में, विक्रम और बेताल की कहानियां भी आती हैं, तो आपने एक कहानी अपनी असाइनमेंट शीट पे लिखनी है और उसको अपने पास रखना है, ओके। तो आपका ये लेसन कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर के मैं PDF भी भेज दूंगी, समझा भी दिए आपको, तो आपने वो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। तो ये लेसन आपका समाप्त है। धन्यवाद, ओके।